हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम सेलिब्रेट करेंगे लॉन्ग डिस्टेंस नाता कि भाई बहन का जो रिश्ता है ना, बहुत अनमोल रिश्ता है। ये किसी भी रिलेशन के साथ आप कंपेयर नहीं कर सकते हैं। और ऐसे ही दूर की बहन बैंगलोर में रहती है, जो कि राखी तक नहीं रुक सकती है, और इसीलिए 5-6 दिन पहले ही राखी सेलिब्रेट कर रही है। और इसके साथ साथ इसकी दूर की जो बहन और एक बहन है जो कृष्ण भक्त है, उसने भी अपने भाई के लिए राखी भेजा है। कितना प्यारा है ना। एक्चुअली मेरे ख्याल से रक्षाबंधन तो रक्षाबंधन के दिन ही राखी बांधा जाता है, लेकिन अगर प्यार है ना, तो आप किसी भी दिन इसको सेलिब्रेट कर सकते हैं। तो इसी ख्याल से हम लोग बहुत ही अच्छे से इसको सेलिब्रेट कर लिए और इन्जॉय किए, और आप भी हम लोग के साथ साथ राखी इन्जॉय कीजिए। जब मैं ये वीडियो बना रही थी ना, तो मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरा भी एक भाई होना चाहिए, पर कोई नहीं। ये देख के मुझे बहुत इमोशनल मैं हो जाती हूँ, छोटी छोटी चीज़ देख के, कि किसी का प्यार देखना भी बहुत बहुत बड़ा बात है। अब आता है कुछ बड़ा नहीं है, छोटा सा ही है, थोड़ा बड़ा है, पता नहीं इसको पसंद भी आया है कि नहीं। बहुत बढ़िया है। तो कॉलेज में छोटा बच्चा नहीं होगा, पीछे में टांगो और घूमो। वाह नेता, परफेक्ट। किसी ने कहा है ना, गिफ्ट बड़ा नहीं होता है, दिल बड़ा होना चाहिए। कितनी खुश हो गई मेरी बहन। उसके बाद हम लोग लंच करने के लिए भोजोहोरी मानना पहुंच गए, और मेरी बहन के एक्सप्रेशन देखे, उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा था क्या ऑर्डर करें, क्या खाया जाए। तो पहले हम लोग ऑर्डर किए हैं मीठा दही, जो मेरी चाची को बहुत पसंद है, और देखिए कितना एक्सप्रेशन देने के खा रही है, बहुत खुशी थी। उसके बाद मैंने कुछ कुछ सिलेक्शन किया और उसी हिसाब से ऑर्डर आया, क्योंकि मेरा चाचा चाची प्योर वेजिटेरियन है, तो वेज ही हम लोग खाना खाए। यहाँ पर प्लेन राइस दिए। जूड़ी आलू भाजा, जो मुझे बहुत पसंद है। उसके बाद हम लोग ऑर्डर किए थे मोजा का घंटक, शुक्तो, और यहाँ पर चना दालमा। तो खाना बहुत अच्छा था, थोड़ा सा प्राइस एक्सपेंसिव था, लेकिन खाना यहाँ पर अच्छा था, क्वांटिटी भी अच्छा था, तो आप प्रेफर कर सकते हैं। उसके बाद हम लोग जा रहे हैं एक्सिस मॉल थोड़ा सा शॉपिंग करने के लिए। तो यहाँ पर हम लोग क्रॉस कर रहे हैं विश्व मंगला गेट, जो मैं चाचा को बता भी दे रही थी कि ऊपर रेस्टोरेंट भी है, तो कभी और आएंगे तो कभी ज़रूर जाएंगे वहाँ पर। और यहाँ पर हम लोग पहुँच गए स्टूडियो। स्टूडियो में आपका वीडियो अलाउ नहीं है, लेकिन मैंने छुप छुप के थोड़ा थोड़ा वीडियो किया है, आप भी देख लीजिए। आपको अगर शॉपिंग करना है तब स्टूडियो प्रेफरेबल है। खूब सारा शॉपिंग किए, अराउंड 600-700 में आपको अच्छे अच्छे कुर्ती टॉप यहाँ पर मिल जाएगा। इतनी प्राइस में आप लोग अगर जा सकते हैं तो स्टूडियो अच्छा है, पर मैं शूज़ के लिए बोलूँगी अब प्रेफरेबल ज़्यादा नहीं है, क्योंकि उसका शोल मुझे अच्छा नहीं लगा था। हम लोग यहाँ पर शॉपिंग करके निकल गए, उसके बाद भी थोड़ा मोड़ा शॉपिंग हम लोग किए। सब कुछ मैंने ब्लॉग भी नहीं ले पाई, क्योंकि मैं भी बहुत एक्साइटेड थी,
और मेरी बैंड को मैंने पूरा मॉल घुमाया अच्छी तरीके से, और आप लोग भी थोड़ा मॉल देख लीजिए। फिर हम लोग सोचे जो आई सेक्शन है उसमें थोड़ा सा उसको घुमाने दे के चले, लेकिन वो बंद था, शायद रिनोवेशन का काम। अब आप लोग को कुछ नया चीज़ दिखाते हैं। ये है एक मेजरमेंट जो शूज़ मेजरमेंट करता है, आपका शूज़ साइज़ क्या होगा एग्जैक्ट मेजरमेंट करके ये देता है। तो ये मुझे नया लगा तो मैंने थोड़ा सा इसका क्लिप ऐड कर लिया। मसाज चेयर भी आप लोग यहाँ पे इंजॉय कर सकते हैं, डिटेल्स यहाँ पर ही है। और ये फ्लावर्स वगैरह बहुत सुंदर लग रहा था। तो यहाँ पर हम लोग एक्सेस में घूम चुके हैं, अब हम लोग जाएंगे बाहर। और बाहर हो जाके जो हो जाता है, यहाँ पर हम लोग मोमो लिए, जो घटिया का घटिया, मतलब इतना बकवास मोमो मैंने नहीं खाया। तो उसको मोमो खाने का मन था, हम लोग वेज मोमो लिए और मुझे एकदम भी अच्छा नहीं लगा। तो चलिए इसको एंजॉय किए। उसके बाद मेरी बहन का गिफ्ट आता है, जो यहाँ पर हम लोग हाउस ऑफ कैंडी में गए और बहुत सारा कैंडी लिया, ठीक है, प्राइस भी बहुत सारा ही है। तो बहुत सारे सारे कैंडी लिया, मैं घर जाके ये कैंडी का डिटेल्स मैं दिखाऊंगी। तो अब था रिटर्न जाने के पारी। तो यहाँ पर हम लोग आईटी सेक्टर दिखाते दिखाते हम लोग रिटर्न आ गए हैं। क्योंकि नेक्स्ट मॉर्निंग इन लोग को बैंगलोर निकल जाना था, तो हम लोग और ज़्यादा लेट नहीं किए, 5 बजे तक हम लोग घर पहुंच गए। फिर हल्का सा डिनर किया। अच्छा, यहाँ पे कैंडी मैं बोली थी ना दिखाऊंगी, तो ये ऐसा कैंडी होता है, अच्छा था पर मेरे लिए बहुत अच्छा नहीं था। तो ये सारा है कैंडीज। अगले दिन सुबह हो गया और अब था इन लोग का जाने की बारी। थोड़ा सा तो इमोशनल हो ही जाते, क्योंकि 2 दिन ऐसा गया ना, मतलब रात दिन कुछ पता ही नहीं चला, इतना मैं बिजी थी। अच्छा लगा, लेकिन फिर हम मिलेंगे। फोन कर दीजिएगा। हाँ, फोन कर दीजिए। तो इस ट्रिप का बारी मैं यही ख़त्म करती हूँ। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। और अब हम मिलेंगे रांची में। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। बाय बाय।